सो भाई इस बार की समर स्लैम में होने वाला द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द समर। हर साल का समर स्लैम अमेजिंग होता है, बेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, लेकिन इस बार का समर स्लैम एक ऐसा समर स्लैम होने वाला है यू शुड नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ, बिकॉज इस बार के समर स्लैम में बहुत ही भाई डिस्ट्रॉयबल अनबीटेबल मैच होने वाला है, जिसके रूमर काफी सर्कुलेट हो रहे हैं, और आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको वो कौन सा मैच है। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए सबसे पहले बात करें वो कौन सा मैच है जो होने वाला इस साल की समर स्लैम में, भाई बिगेस्ट मैच है। अब रूमर दो दिन पहले ही निकल के आया, ऐसा रूमर नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये साल के बाद होने वाला था, लेकिन भाई समर स्लैम में इस बार का क्लीवलैंड से होने वाला है ब्राउन स्टेडियम में। और द मेजर न्यूज़ ये है कि भाई इस बार के समर स्लैम में आपको देखने को मिलने वाला है ब्लडलाइन वर्सेस ब्लडलाइन, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, यानी कि अब ब्लडलाइन रूल्स मैच। अब ये मैच क्या है, ये है मैच सोलो सिकोवा जेकब फाटू टामाटुंगा वर्सेस रोमन रेंस जे उसो एंड जिमी उसो, यानी कि न्यू ब्लडलाइन वर्सेस ओल्ड ब्लडलाइन। अब देखिए ये मैच कन्फर्म है भाई, ये मैच जिस इनसाइडिंग न्यूज से मुझे पता चला है, जिस सोर्स से मुझे इस मैच के बारे में न्यूज मिली है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई दिस मैच विल हैपन। अब देखिए 100% किसी चीज की गारंटी दुनिया में नहीं है, लेकिन भाई एक चीज है कि इनसाइडर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट न्यूज, एक वो इनसाइडर है, वो सोर्स है, वो हिडन सोर्स है जो भाई कमाल की न्यूज और ट्रस्टेड न्यूज को प्रेजेंटेशन करता है। एंड दिस इज द मेजर न्यूज भाई इस बार की समर स्लैम में आपको देखने को मिलने वाला है ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन। अब रोमन रेंस के रन की बात करें भाई, द मेजर न्यूज इज की अभी सोलो सिको अपनी फैक्शन को बढ़ाएगा, और ये ऑलरेडी बता चुका हूं आज की वीडियो में जेकब फाटू का रिटर्न कब और कैसे होगा, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, अभी जस्ट अपलोड करी है मैंने। अब देखिए बात करें रोमन के रिटर्न की, तो रोमन का रिटर्न होगा भाई इसी साल होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि रोमन रेंस को समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज करा जा रहा है, अभी तक करा जा रहा है भाई। लेकिन द मेजर न्यूज इज कि अगर ये चीज होती है तो आपको फाइनली इस साल समर स्लैम में एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। उम्मीदें काफी ज्यादा है कि ये मैच इस साल सर्वाइवर सीरीज में एज अ वॉर गेम मैच होगा, लेकिन समर स्लैम बिकॉज बड़ा इवेंट है, सर्वाइवर सीरीज से भी बड़ा इवेंट माना जाता है, वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में है, करीबन 80,000 के स्टेडियम में है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया जाएगा और रोमन रेंस का वह मैच होगा। अब देखिए ऐसा होता तो बहुत अच्छी चीज होगी भाई, बिकॉज अभी रोमन रेंस बिजी है कहीं और पर हॉलीवुड के अंदर हो जहां भी है, लेकिन समर स्लैम अभी होने में 3 महीने पड़े हैं, और 3 महीने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आराम से सोलो सिकोवा की जेकब फाटू टामाटुंगा की स्टोरीलाइन को बना सकती है, बिकॉज पॉल हेमन भी उसी के साथ है। तो कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर समर स्लैम है, और कहीं ना कहीं वहीं पर सारा कुछ मामला शुरू होगा, खत्म नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन में रोमन आने वाला है, ये बात ऑलरेडी एडवर्टाइज है। अब रोमन वहां पे आके शायद अपना रिटर्न करेगा और सोलो सिकोवा या फिर किसी पर अटैक करेगा, जिससे ये पता चल जाएगा हमें कि भाई साहब अब ब्लड लाइन वॉर मैच होगा समर स्लैम के अंदर। और इस मैच के चांसेस क्यों ज्यादा है, बिकॉज आप खुद सोचिए रोमन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब नंबर गेम बढ़ेगी, यानी जब जेकब फाटू भी ज्वाइन हो जाएगा ब्लड लाइन के अंदर सोलो और टामाटुंगा के साथ, तो भाई जिमी उसो अकेला है, जे उसो आ जाएगा, तो किसी एक और बंदे की जरूरत पड़ेगी। अब भाई केविन ओवेंस तक नहीं, मुझे नहीं लगता केविन ओवेंस इतना ज्यादा लंबा खींचेगा, कहीं ना कहीं मुझे कोडी रोड्स के चांसेस भी लगते हैं, कोडी रोड्स भी साथ देगा जे उसो का, सैमी ज़ेन के भी चांसेस लगते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आखिर ऑल ब्लड इज अ ब्लड, आप समझ रहे हैं ना, ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन ब्लडिंग ब्लड पर ही चली है, समझ रहे हो, वो ब्लड पर ही चली है, बाहर से कोई भी शामिल हो जाए वो जस्ट एक पार्ट टाइमर का रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि सैमी ज़ेन ने किया था। कोडी रोड्स, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, ये जस्ट अ पार्टनर बन सकते हैं किसी एक इवेंट के लिए, लेकिन पूरा साल ये जिमी उसो और जे उसो का साथ नहीं दे सकते। तो द मेजर न्यूज इज की समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन में रोमन एडवर्टाइज है, वहीं पर शायद रोमन का एक सरप्राइज रिटर्न होगा, जिससे वो जे उसो और जिमी उसो का बचा लेगा, बिकॉज जब रोमन के चांसेस होंगे रिटर्न के, बिकॉज जे उसो जिमी उसो नंबर गेम के मामले में अपने भाई सोलो सिकोवा से पीछे रहेगा, सोलो सिकोवा टामाटुंगा जेकब फाटू ये तीनों मिलकर जे और जिमी को बुरी तरह से मार रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे,
तभी स्मैकडाउन के एपिसोड में बिफोर समर स्लैम रोमन का रिटर्न होगा और ये मैच को रोमन ने एक्सेप्ट कर लेगा और समर स्लैम में आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है द ब्लड लाइन वॉर मैच, ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन, ट्राइबल चीफ वर्सेज ट्राइबल चीफ। अब देखिए ये मैच जाएगा रेसलमेनिया तक, बिकॉज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेज सोलो सिकोवा का सिंगल मैच होगा ट्राइबल चीफ का, यानी कि उस मैच में जो जीता वो अपने आप को ट्राइबल चीफ मानेगा और आपको पता है ट्राइबल चीफ कौन है। भले ही रोमन के पास टाइटल नहीं है लेकिन रोमन इज ऑलवेज बी ट्राइबल चीफ, ही इज द हेड ऑफ द, पता ही आपको। सो द मेजर न्यूज इज कि भाई ब्लड लाइन का ये जो बिगेस्ट मैच है आपको शुरुआत इसकी होते दिखने वाली है समर स्लैम में, उसके बाद वॉर गेम में जाएगा, फिर रॉयल रंबल तक खींचेगा एंड देन फिर रेसलमेनिया में एंड होगा इस चीज का। सो द मैसिव न्यूज इज कि भाई अब रोमन का रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन में हो सकता है, बिकॉज एडवर्टाइज रोमन है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी दिखाएगी कि रोमन नहीं आने वाला, अभी बहुत से रूमर आएंगे रोमन इज नॉट देयर, बट आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं कल्ट ऑफ रेसलिंग पर। एंड दिस इज अ मेजर न्यूज गाइस कि रोमन का रिटर्न कंफर्म मान लीजिए समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन में होगा और समर स्लैम में आपको ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच कंफर्म देखने को मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।